सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने नरखों पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के भाव बढ़ गए। अदरक 1,250, लहसुन 650, प्याज 130 और टमाटर 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 220, टींडे 180, अरवी 160, करेले 150 और आलू 100 रुपए किलो बिकने लगे हैं। अनार बदाना 900, अंगूर 500, सेब 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सब्जियों और फलों के सरकारी नरखना में जारी किए गए हैं, उसमें 13 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। प्याज 10 रुपए महंगा करके 95 रुपए में करे किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज 130 रुपए फी किलो तक थोक किया जा रहा है। इसी तरह सब्जी 10 रुपए बढ़ाकर 160 रुपए में कर दी गई, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक थोक की जा रही है। टींडे जैसी 5 रुपए इजाफे के बाद 155 रुपए में कर दिए गए, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक थोक किए जा रहे हैं। आलू की कीमत 3 रुपए का इजाफा किया गया, 78 रुपए फी किलो सरकारी रेट की कीमत है, लेकिन मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। मेथी 20 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। बैगन 4 रुपए महंगे करके 74 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन 200 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह खीरा 5 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 90 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। पालक 5 रुपए महंगे करके 45 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह मजमू तौर पर 13 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जबकि फलों के हवाले से बात की जाए तो मार्केट में सेब काला पुलू 350 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 180 रुपए दर्जन, जबकि दर्जा दोम का केला 130 रुपए फी दर्जन तक फरोख किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।